सोलन में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोलन पुलिस ने चंबाघाट क्षेत्र के एक मकान में छापे के दौरान 32 वर्षीय युवक से 9.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। सोलन पुलिस ने एक बार फिर चिट्टे को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। सोलन के साथ लगते चंबाघाट क्षेत्र के एक मकान में सोमवार की रात्रि को पुलिस ने छापा मारकर 32 वर्षीय कुणाल को 9.70 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को आरोपी को CJM के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सड़क के साथ लगते एक मकान में छापा मारा और यहां पर रहने वाले युवक कुणाल से 9.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।